अक्सर छोटे बच्चों के लिए हम मार्केट से क्ले लेकर आते हैं और बच्चे सारा दिन उस क्ले से खेलते हैं और वो क्ले बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होती। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बच्चों के लिए घर पर ही सेफ क्ले बनाने का बहुत ही आसान तरीका। इसी के साथ मोनिकास डीआईवाई में आपका स्वागत है। तो चलिए क्ले बनाना शुरू करते हैं। तो होममेड क्ले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसमें 1 कप मैदा डालेंगे और फिर 1/2 कप इसमें नमक डालेंगे। तो ये रेगुलर सॉल्ट है जो हम किचन में यूज करते हैं। तो इन दोनों को मिक्स कर लेंगे और फिर 2 चम्मच इसमें कोकोनट ऑयल डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी ले लिया है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको मिक्स करते जाएंगे, तो एकदम से सारा पानी ना डालें। तो मैंने 1/4 कप पानी इसमें डाल दिया है। पहले इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, तो थोड़ा सा पानी इसमें और लगेगा, लेकिन पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार करना है। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं, सेम उसी तरीके से हमें इसका डो तैयार करना है। तो तकरीबन 1/2 कप पानी का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। तो अभी हम इसको तकरीबन 5 मिनट अच्छे तरीके से मस लेंगे ताकि एक स्मूथ डो हमें मिल जाए। अब थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेकर हम इस डो के ऊपर लगा देंगे और फिर से 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से मसल लेंगे। तो इस तरह से मैंने टोटल इसको 10 मिनट तक अच्छे से मसला है ताकि एक स्मूथ डो तैयार हो जाए। तो कुछ इस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्मूथ डो तैयार हो गया है। तो इस तरह से हमारा डो का बेस बन गया है। अब हम इसको अलग अलग कलर में बना लेंगे। तो मैंने इसको बराबर हिस्सों में बांट लिया है। तो 6 कलर हम करेंगे। एक हिस्से को मैं वाइट ही रखूंगी, तो वाइट कलर का ही क्ले बनाएंगे और बाकी में मैं फूड कलर डालकर इसके अलग अलग कलर तैयार कर लूंगी। तो फूड कलर मार्केट में 2 तरह के मिलते हैं, एक पाउडर में और लिक्विड में। तो मैंने दोनों ही इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर मैंने रेड कलर का फूड कलर लिया है, तो थोड़ा सा फूड कलर हम डालेंगे। तो आपको जैसा ब्राइट कलर चाहिए उतना आप कलर डाल सकते हैं। अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कलर डाल लें, अगर आपको लाइट कलर चाहिए तो आप थोड़ा सा कम कलर डाल लें। तो रेड कलर मैंने यूज़ किया है। रेड और वाइट मिलकर बहुत ही प्यारा पिंक सा कलर बन जाता है। तो डो को अच्छे से मसल लेंगे ताकि सारा डो अच्छे से कलर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा कलर बन चुका है। तो अभी मैं डाल रही हूँ लेमन येलो कलर, तो ये पाउडर वाला है, ये भी फूड कलर है। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो पानी डालते टाइम ध्यान रखें कि बहुत ही कम पानी डालेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपका डो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो इस तरह से हम लेमन येलो कलर बनाएंगे, ये भी बहुत ही प्यारा कलर बनता है। तो इसी तरह से फूड कलर लेकर आप अपनी पसंद के कलर बना सकते हैं। तो लीजिए लेमन येलो कलर भी बनकर तैयार है। तो अभी एक बार बर्तन को थोड़ा सा साफ कर लेंगे। तो अभी बनाएंगे ग्रीन कलर, तो ये भी फूड कलर है। 2-3 ड्रॉप्स पानी के डालेंगे और इसे भी अच्छे से मसल लेंगे और ग्रीन कलर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो आप
फूड कलर घर पर भी बना सकते हैं। जैसे अगर आपको रेड कलर बनाना हो तो आप बीटरूट को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर रेड कलर बना सकते हैं। और अगर आपको कॉफ़ी कलर चाहिए तो आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैंने ऑरेंज रेड कलर लिया है, तो ये भी बहुत ही प्यारा ऑरेंज कलर बनता है। तो इस तरह से आप अपने पसंद के कलर बना सकते हैं। बच्चों को ब्राइट ब्राइट कलर बना कर दें तो उनको भी बहुत ही अच्छा लगेगा क्ले के साथ खेलना। तो आप घर पर ही बच्चों को क्ले बना कर दें, आपको भी टेंशन नहीं रहेगी कि बच्चों ने हाथ धोए या नहीं धोए, क्योंकि इसमें सारी खाने वाली चीज़ें ही इस्तेमाल की हैं। तो लीजिए ऑरेंज कलर भी बनकर तैयार है। तो अभी मैं दो कलर को मिक्स करके एक और कलर बनाने वाली हूँ। तो मैंने लेमन येलो में रेड कलर मिक्स किया है, तो ये भी बहुत ही प्यारा कलर बनता है। तो इसी तरह से आप कोई भी दो कलर मिक्स करके एक नया कलर तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए बच्चों के लिए होममेड क्ले बनकर तैयार है, जो कि बच्चों के लिए पूरी तरह से सेफ है। तो आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर कलर तैयार हुए हैं। तो अभी आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, अब आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेक्सचर इसका तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कि मार्केट से भी बढ़िया क्ले घर पर बनकर तैयार हुई है, और कलर भी आपकी अपनी पसंद के बनेंगे। तो अभी इनको हम किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसको आप बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, जब भी बच्चों को चाहिए बच्चे यूज कर सकते हैं। तो क्ले को स्टोर करने के लिए क्लिंग रैप लेंगे और उसमें इसको अच्छे से रैप कर देंगे। तो कुछ इस तरह से रैप करके हम क्ले को अलग अलग करके रैप करेंगे और रख देंगे। तो आप इनको किसी भी कंटेनर में डालकर रख सकते हैं। इस तरह से अलग अलग रैप करें और एक कंटेनर में डालकर रख लें। आप चाहें तो आप इसको इस तरह से रैप करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी ये खराब नहीं होगी। तो कुछ इस तरह से आप घर पर ही बच्चों के लिए सेफ क्ले तैयार कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप इसे ट्राई जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।